भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में नोटशीटों द्वारा चयन और नियुक्ति की अराजकता पर टिप्पणी की है। उससे साफ जाहिर होता है कि दिग्विजय सिंह ने अपने शासनकाल को सामंतशाही और राज रजवाड़े की तरह चलाते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अवमानना की है। दिग्गी राजा ने नियमों को शिथिल करके इनको नियुक्तियां दी है, उसकी प्रतियां भी मैं आपको वितरित कर रहा हूं। इसी प्रकार से आरकेडीएफ जहां पे अनियमित नियुक्तियां हुई थी, भर्ती हुई थी, वो जब जब संज्ञान में आया तो आपके पत्रकार साथियों ने ही शिकायत की थी। उस समय के वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन मध्य प्रदेश ने जो कंप्लेंट की थी उसमें 24 लाख रुपए का जुर्माना आरकेडीएफ पर हुआ था, लेकिन उस 24 लाख के जुर्माने को 5 लाख में परिवर्तित किया, 24 लाख की राशि को घटाकर 5 लाख रुपए किए, मध्य प्रदेश के खजाने पर चोट पहुंचाई। यह भी प्रकरण इनके मनमाने तरीके से काम करने की प्रणाली को उजागर करता है और यह इस बात का प्रमाण है कि यह मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अपने सामंतवादी तरीके से मध्य प्रदेश को चलाते रहे, हाथते रहे और ये सारे प्रकरणों की एक लंबी फेरिश्त। हमारे पास अनेक लोगों की सूचनाएं आ रही है कि इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय हुआ है और वो सारा संकलन करके ये एक एक चिट्ठा यहां पर हम खोलेंगे और दिग्विजय सिंह के समय के सारे कार्य कारनामे, उसका भंडाफोड़ वक्त की दहलीज पर होगा, यही मुझे आज कहना। हम शासन से इस संबंध में मांग करेंगे। एक दूसरा, नियमों को शिथिल करके जिस प्रकार का यह खेल खेला गया है, इस खेल को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। ये नियम विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, ये मनमानी है, ये तानाशाही है। ये जब हाईकोर्ट ने कहा है तो नंद कुमार सिंह चौहान भी कह रहा है। भोपाल से MSTV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।